मलाई कोफ्ता किसे पसंद नहीं होता, मलाई कोफ्ता बच्चों को भी पसंद आता है और बूढ़ों को भी। तो आज मैं उसी की रेसिपी बता रही हूँ आपको। काजू, हरी मिर्च और प्याज, इन सबको उबाल लेना है। उबालने के बाद जब ये आधा रहेगा तो इन्हें पीस लेना है। इसके बाद हम 2 से 3 आलू लेंगे, इन्हें कद्दूकस करेंगे उबले हुए आलू को। इसके बाद पनीर लेंगे 250 ग्राम, उसमें नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे थोड़ा सा, और हरी मिर्च, अदरक बारीक कटे हुए, इन सबको डालेंगे। और उसके बाद इसको बाइंडिंग के लिए, ताकि इसके अच्छे से गोले बन सके, इसके छोटे छोटे बॉल्स, इसके लिए हम इसको इसमें मैदा डाल रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच। इसके बाद इसे हम मिलाएंगे अच्छी तरीके से। बैचेस में फ्राई करेंगे ताकि ये टूटे ना। 2-3 बैचेस में मैंने निकाल लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना था। अब हम तेल लेंगे, इस तेल में हम दालचीनी का एक टुकड़ा डालेंगे, लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे, इसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, साबुत जीरा, और इसके बाद तेज पत्ता डालेंगे, फिर हरी मिर्च और अदरक के बारीक कटे हुए टुकड़ों को भी डालेंगे, और इसे थोड़ी देर चलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। थोड़ी देर चलाने के बाद हम अब इसमें पिसे हुए प्याज, काजू का और ग्रीन चिली का जो पेस्ट हमने बनाया था, उबाल के रखा था, उसको अब हम डाल रहे हैं। उसे डालने के बाद हम उसे चलाएंगे थोड़ी देर इसे चलाते जाना, नहीं तो ये नीचे तले में चिपकने लगता है। थोड़ी देर के बाद इसमें हम नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें डालेंगे। थोड़ी देर फिर से चलाएंगे, उसके बाद फिर इस पर हम चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, ताकि मलाई कोफ्ता हल्का मीठा रहता है, इसलिए उस पर मीठापन लाने के लिए हम उस पर चीनी डालते हैं। और थोड़ी देर तक इसे चलाएंगे, और धीमी आंच पे ही चलाएंगे, बहुत तेज़ नहीं चलाएंगे क्योंकि काजू पकड़ने लगता है नीचे तलों में, इसलिए इसे थोड़ी देर हम चलाते रहेंगे। जब हम देख रहे हैं कि ये ग्रेवी थोड़ा पक चुका है, अब इसमें फ्रेश क्रीम अच्छे से फेंटा हुआ करीब 1 कप के करीब हम इस पर डालेंगे, और इसे जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि ये पकड़े नहीं नीचे तले में। इसे चलाते जाना है, थोड़ी देर में देखेंगे कि क्रीम उसमें अच्छे से मिल गया है, क्रीमी टेक्सचर आ चुका है, तब इसे धीमे आंच पे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। अब हम इस पर दही, फेटी हुई दही को डालेंगे, करीब 1/2 कप दही है वो, आप उसको डाल सकते हैं, फेटा हुआ दही। अब इसे भी चलाएंगे धीमी आंच पे, और इसे धीमी आंच पे चलाना है ताकि ये फटे नहीं और इसका क्रीमी टेक्सचर जो है बना रहे। दही और क्रीम दोनों साथ में डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे लगातार चलाते रहना है धीमी आंच पे। थोड़ी देर के बाद हम इसको देखेंगे कि इसका ग्रेवी तैयार हो चुका है, टेक्सचर अच्छा आ चुका है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। तो अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, उसे पहले से मैंने थोड़ा रोस्ट किया हुआ है, चलाया हुआ है, अब उसे हम उसमें लास्ट टच हमें यही देना है कि इसमें कसूरी मेथी से उसको गार्निश करना है। हमारे मलाई कोफ्ता तैयार है। सर्विंग प्लेट में सबसे पहले हम ग्रेवी डालेंगे, अब खाने लगे उसके पहले ग्रेवी को गर्म कर लें। कोफ्ते को डाला है, फिर कोफ्ते के ऊपर से मैंने ये ग्रेवी को वापस डाला है। इधर मैंने काजू और किशमिश फ्राई करके रखा हुआ था, उसको इसके ऊपर से गार्निश करने के लिए डाल दिया है। आप इसे रोटी या नान किसी के साथ